चित्रकूट बरगढ़ थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय खोहर में कोविड 19 का टीका का कैंप लगा हुआ है, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। जब रिपोर्टर वहां पहुंचे तो विद्यालय में देखा मऊ से आए एम पाल ने बताया कोई भी व्यक्ति टीका लगवाने नहीं आ रहा है। जब रिपोर्टर द्वारा पूछा गया ऐसा क्यों, उन्होंने बताया कि जनता को यह भय दिया गया है कि टीका लगवाने से मृत्यु हो जाती है। इसकी जानकारी करने के लिए मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार ने पूजा एनएम से जानकारी प्राप्त की। उनके द्वारा बताया गया कि हमने गोइयां में टीका लगाया है, कोई भी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। सब ब्यूरो रोहिणी कुमार लसही गांव पहुंचे, वहां पर मौजूद देवेश सिंह, पुष्पा देवी, कमलेश कुमारी, अजय कुमार सेन, सतीश कुमार सेन, विकास कुमार सेन को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया तो पुष्पा देवी ने बताया हमको बुखार आ रहा है, नहीं तो मैं टीका जरूर लगवा लेंगी। तब ब्यूरो रोहिणी कुमार ने कहा आप लोग टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हमारे हित के लिए कार्य कर रही है और जिले के जिलाधिकारी को टीकाकरण के लिए आदेश किया गया है। उसी क्रम में आज जिलाधिकारी चित्रकूट के निर्देशन में ब्लॉक मऊ रिपोर्टर से टीकाकरण के लिए टीका प्राथमिक विद्यालय पहुंची। टीम में मौजूद रहे मऊ से आए एमएल पाल, पूजा एनम और भी उनके साथ सहयोगी रहे। अब देखना यह है गांव की जनता कब तक टीकाकरण की बात मन से निकाल कर टीका लगाती है या नहीं, जबकि ब्यूरो रोहिणी कुमार द्वारा समझाया गया है टीका लगवाने से हमको कोई नुकसान नहीं होगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज टीम में मौजूद रहे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, एरिया रिपोर्टर बाल मुकुंद साहू, मऊ रिपोर्टर दिनेश कुमार द्विवेदी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? सर मैं एमएल पाल, एडीआईएसबी मऊ। सर यहाँ पर आज क्या है? आज इस कुंवर विद्यालय में आज यहाँ वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, यहाँ टीम आई हुई है लेकिन अभी तक यहाँ कोई टीकाकरण के लिए कोई टीम नहीं आई है। नहीं, टीम आई हुई है लेकिन कोई व्यक्ति टीकाकरण कराने के लिए नहीं आ रहा। नहीं आए हैं? हाँ। और टीम आई है सर? टीम आई है, टीम बैठी हुई है, टीम सुबह से ही बैठी हुई है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि जनता क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? जनता को भ्रम घुसा हुआ है इसमें जी। उनको जो है गलत फहमी है कि इसके टीकाकरण कराने से हम लोग बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसके कारण नहीं आ रहा। क्या सर बस ये बताएंगे कि कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ी थी कि एक व्यक्ति जो है टीका लगवाया और टीका लगवाने के महीने भर के अंदर खत्म हो गया, इसमें क्या बोलेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात टीकाकरण का तो इसमें सर एक थी, दो हवा उड़ी थी, इसमें सिर्फ हवा थी ये, मतलब कि जो है टीका लगवाने से आदमी की मृत्यु हो रही है। अच्छा, टीका कौन व्यक्ति नहीं लगवा सकता, थोड़ा ये बताएं। टीका वो जो बीमार व्यक्ति नहीं लगवा सकता है। अभी इस समय 45 से एबव वालों को भी टीका लगाया जा रहा है, 45 से नीचे वालों का भी टीका आने वाला है, तो वो भी 45 वर्ष से नीचे वालों को भी लगाया जाएगा। बीमार व्यक्ति को अभी नहीं लगा। वो कितने साल का, कितने साल से लगवा सकते हैं सर? अभी 45 से एबव वाला लगवा सकता है। 45 से? हाँ। अच्छा, तो सर ये बात बताएं कि जो है ये दो जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीका लगाया जा रहा है कि किसके संरक्षण में ये टीकाकरण हो रहा है? ये टीका ये प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के निर्देश पर, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर, सबके निर्देश पर लगाया जा रहा है। इसमें दो सर आए हैं, कोई टीम के नाम आपको मालूम है सर? ये टीम में हमारे CHO साहब हैं, ANM हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं। तो सर आप अपना नाम जोर से बताएं थोड़ा। मेरे लाल पाल, ADISB मऊ, प्रभारी खंड विकास अधिकारी मऊ। जी 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 जी। आप ये बताएंगे कि दो है इसमें, दो है अभी टीम दो आई है, टीम अंदर है? टीम अंदर है। चलें सर आप थोड़ा दिखाएं। ओके सर, ये दो टीकाकरण की टीम आई है, कहाँ से आई है सर? ये टीम मऊ से आई हुई है। टीम मऊ से आई है, मऊ PSCSC से। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम पूजा है, NM। जोर से बताइए। पूजा, NM। अच्छा पूजन, ये बताइए कि दो है आप आज यहाँ पर आई, कुंवर में क्या है आज यहाँ पर कोविड 19 का वैक्सीनेशन हो रहा है 45 साल से ऊपर वाले लोगों का। तो यहाँ पर तो कोई दिख नहीं रहा है? यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं पर लोग आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। जी सर।
पूछे हैं कि वो यहाँ पर ड्यूटी में आई हैं और भी मऊ सरकारी आए हैं, उनसे यहाँ की जनता कैसे बर्ताव कर रही है, आखिर क्या वजह है कि ब्रह्म में टीका नहीं लगवा रही यहाँ की जनता। हाँ सर, ये बताइए कि दवा यहाँ की जनता क्या कह रही है। यहाँ की जनता ये कह रही है कि टीकाकरण टीका लगवाने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम बचेंगे नहीं, हम अभी जो काम कर रहे हैं काम भी नहीं कर पाएंगे, बुखार आ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हमें नहीं लगवाना। देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार के नेतृत्व में दो भी कार्य हो रहे हैं, सराहनीय हो रहे हैं। टीकाकरण के लिए जो सुनिश्चित किया गया है समय, फिर भी यहाँ की जनता कहा जाए कि कम पड़े है या तो कहा जाए वो ब्रह्म में है या सिद्धि ज्यादा नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं करना चाह रही है, कदम उठाना चाह रही है, रिस्क हो सकता है। मैं पूजा दो मैडम है उनसे बात करते हैं। अभी तक आपने कितना जो है टीकाकरण किया है? आज तो यहाँ पे कोई टीकाकरण नहीं। नहीं, आपने कहाँ किया और कहीं किया है? खुद किया है, वहाँ पे हुआ था। वहाँ से क्या आपको कोई रिपोर्ट निगेटिव आई है? जी अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है कि कोई इस वैक्सीन से लगने के बाद कोई दिक्कत हुई है किसी लोग को। किसी दिक्कत नहीं हुई है जी? नहीं। और कहाँ किया आपने? और अभी तो हम गोइया में किए हैं। सिर्फ गोइया भर में किए हैं? इन्होंने गोइया भर में किया है और दिक्कत किसी को नहीं आई है, फिर कोहर की जनता ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है, आखिर क्या वजह है? प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के साथ रोहित कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।